दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मुझे मिला हुआ है। ये है साउंड वन कंपनी का डिटैचेबल ब्लूटूथ ईयरफोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ईयरफोन है इसे आप ब्लूटूथ ईयरफोन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, और जब इसकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो आप अगर चाहें तो इसे वायर्ड ईयरफोन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ईयरफोन है और इसका जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है, 1,690 रुपये। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, और इसका मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है साउंड वन कंपनी का डिटैचेबल ब्लूटूथ ईयरफोन। ये देखिए इस प्रकार की पैकिंग है। मॉडल नंबर है DC111111 और जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के पीछे यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और ये जो ईयरफोन है इसे आप एज अ वायर्ड ईयरफोन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप इसे खोल सकते हैं और बहुत ही इंप्रेसिव किस्म की बॉक्स पैकिंग है। इनफैक्ट बॉक्स खोलते ही आपको ये केस मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया किस्म की है, प्रीमियम किस्म की है। ऐसे मैं खोल देता हूँ और इसके अंदर है, ये देखिए आपको एक तो ये ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है और साथ में ये केबल भी दिया हुआ है। ये ऑडियो केबल है, ये देखिए थोड़ा सा अलग किस्म का ऑडियो केबल है। इसका उपयोग करके आप इस ब्लूटूथ ईयरफोन को एज अ वायर्ड ईयरफोन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल देख लेते हैं कि बॉक्स में इसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरप्लग कैप्स मिलते हैं, साथ में ये USB 2 micro USB डेटा केबल दिया हुआ है जो ब्लूटूथ भाग है ईयरफोन का उसमें जो बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए। और बॉक्स में आपको ये यूज़र मैनुअल भी मिलता है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है साउंड वन डिटैचेबल ब्लूटूथ ईयरफोन। ये जो ईयरबड है मैग्नेटिक है और जो मैग्नेटिक बाउंडिंग है काफ़ी बढ़िया है। ईयरबड्स का डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग किस्म का है जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक दूसरे से ये वायर से कनेक्टेड है। ये ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है और यहाँ पर देखिए इन वायर कंट्रोलर दिया हुआ है जैसे ईयरफोन्स में होता है। यहाँ पर 3 बटन्स दिया हुआ है, इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन भी है और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है जिसका उपयोग करके इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये वायर मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें इस ईयरफोन को एज अ ब्लूटूथ ईयरफोन की तरह उपयोग कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये देखिए ये जो ईयरबड है इसके यहाँ पर ये जो केबल लगा हुआ है इस केबल को आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से फिर से मैं इस केबल को निकाल देता हूँ तो ये जो भाग है जहाँ पर ये कंट्रोलर भी दिया हुआ है ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है इसमें बैटरी है, और बैटरी के जरिए आप इस ईयरफोन को एज अ वायरलेस ईयरफोन की तरह उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई है तो ये जो केबल दिया हुआ है इसमें भी देखिए वही सेम पॉइंट्स दिया हुआ है। तो लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंगली आपको ये जो पिन है इस ईयरबड में डालना है, और ये जो दूसरा पिन है इसे भी मैं इस प्रकार से ईयरबड में डाल देता हूँ। ये लीजिए अब देख सकते हैं कि ये वायर्ड ईयरफोन बन गया है, जैसे दूसरे वायर्ड ईयरफोन होते हैं उस प्रकार का वायर्ड ईयरफोन हो गया है। और ये जो पिन है इसे आपको आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर में डालना है। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है इस ईयरफोन की। अगर आप चाहें तो इसे वायरलेस की तरह उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे एज अ वायर्ड ईयरफोन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ये जो ईयरफोन्स है ये बढ़िया तरीके से मेरे कानों में फिट हो गए हैं, और साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो बेस बढ़िया है जैसे इंडियन यूजर्स को पसंद आता है। वोकल्स भी क्लियर है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। फिलहाल ये जो ईयरफोन है इसे मैं ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो वायर है जिसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है इन ईयरबड्स के साथ में ये इसे ब्लूटूथ ईयरफोन बना देते हैं, और फिलहाल मैं ब्लूटूथ मोड का ही उपयोग कर रहा हूँ। और ब्लूटूथ मोड में जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, इनफैक्ट वही सेम क्वालिटी आपको वायर्ड ईयरफोन में भी मिलने वाली है। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो मैं इसे 4.5/5 की रेटिंग दूंगा, उससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसमें 110 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है जो आपको तकरीबन 10 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज दे सकता है एक फुल चार्ज पर। मतलब कि 10 घंटे के बाद मान लीजिए अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बैटरी ड्रेन हो गई है तो ये जो वायर मॉड्यूल है इसे आप इन ईयरबड्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और इस ईयरफोन को एज अ वायर्ड ईयरफोन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो शर्त है वो ये है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें ऑडियो जैक होना चाहिए। इस ईयरफोन के बारे में मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो ईयरफोन है इसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ, और गिव अवे में भाग लेने के लिए मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूँ। प्रश्न ये है कि ये जो सिस्टम है वायरलेस और वायर्ड ये आपको कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और आपको ये भी बताना है कि आप ये जो वायरलेस सिस्टम है और ये जो वायर्ड सिस्टम है इसका आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं।
दोस्तों 5 नवंबर के बाद मैं एक लकी विनर को सेलेक्ट करने वाला हूं और उसे मिलने वाला है ये ब्लूटूथ ईयरफोन। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो विनर है उसे मैं रिप्लाई करने वाला हूं तो उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो जीत चुका है। और 5 नवंबर के बाद मैं लकी विनर को सेलेक्ट करने वाला हूं, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा दिन चले जाए, कुछ हफ्ते भी जा सकते हैं। देखिए गोगी टेक पर जो भी गिव अवेज होते हैं यहां पर मैं ज्यादा करके कोशिश करता हूं कि ऐसे यूजर को जिताऊं जो रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको मेरे वीडियोस को देखना है और कमेंट्स करना है हर एक वीडियो में। तो जब कभी मैं कोई विनर को सेलेक्ट करता हूं तो मैं ये सारी चीजें चेक करता हूं, उसके बाद में जो विनर है उसे रिप्लाई करता हूं, मतलब कि उसे पता चल जाता है कि वो जीत चुका है। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और वीडियोस में कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो आपका जीतने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों ये जो ईयरफोन है इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और इसका जो वायर है इसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। इनफैक्ट ये जो वायर है इसमें एल्यूमिनियम कोटिंग दिया हुआ है ताकि ये जो वायर है काफी ज्यादा चल सके। तो दोस्तों गिव अवे में जरूर भाग लीजिए। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ गिव अवे के लिए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ देखते ही रह जाओगे, जीतेंगे नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।